This is Jayati और आप देख रहे हो मॉम्स डायरी चैनल पर न्यू एज मॉम्स। दोस्तों ठंडी का मौसम आ चुका है एंड हम अभी दिल्ली में हैं और यहाँ ठंडक कुछ ज़्यादा ही है, एक्सट्रीम लेवल पे है। खैर, तो हम लोग एज यूजुअल बच्चों को लेके काफ़ी ज़्यादा टेंस रहते हैं। बच्चों को अच्छा खाना देना है, बच्चों को अच्छा न्यूट्रिएंट्स देना है, और ठंडी के सीज़न में जो सबसे बेस्ट माना जाता है वो होता है ड्राई फ्रूट्स पाउडर। जी हाँ, इसमें हम ड्राई फ्रूट्स को कैसे, बच्चों को आप डायरेक्ट तो नहीं दे सकते हो, अटक सकता है, लेकिन हम एक पाउडर फॉर्म में उनको देंगे जो उनके खाने में मिक्स करके, उनके दूध में मिक्स करके देंगे, जो कि मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी बताया हुआ है कि मैं शिवन्या को एक ग्लास दूध वो ड्राई फ्रूट पाउडर डाल के ज़रूर से ज़रूर पिलाती हूँ दिन में एटलीस्ट एक बार। तो इस ड्राई फ्रूट पाउडर का जो रेसिपी है ये बहुत सिंपल है, लेकिन अगर मैं बात करूँ इसके बेनिफिट्स के तो वो बहुत 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 ज़्यादा है। नंबर वन, ये आपके ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इसमें बादाम भी है, ये आपके बोन्स मतलब जो हड्डियाँ होती हैं उसके डेवलपमेंट में हेल्प करता है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। सो बच्चों की इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाता है, बच्चों के इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करता है। स्किन कॉम्प्लेक्शन, क्योंकि मैं इसमें केसर भी यूज़ करने वाली हूँ इसलिए स्किन कॉम्प्लेक्शन पे भी अच्छा असर डालता है। एंड इसमें बाकी ड्राई फ्रूट्स के ऑयल की वजह से स्किन को, बाल को, आँख को, सबको बहुत ही ज़्यादा अच्छा रखता है। ओवरऑल ये बच्चे के हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है, एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। सो इसे एज अ एनर्जी पाउडर भी आप बच्चे को दे सकते हो। 2.5 से 3 साल तक के बच्चों को एनर्जी पाउडर वगैरह किसी तरह का एक्सटर्नल वाला देना थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, इसलिए मैं घर पे ही ये पाउडर बनाती हूँ जो एज अ एनर्जी पाउडर भी शिवन्या के काम आता है। सो अब मैं आपके साथ को पूरा रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। वैसे मेरे पास रखा हुआ है बट जस्ट बिकॉज मुझे काफ़ी सारे पिछले वीडियोस के ऊपर काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हमें भी बताइए कैसे बनाना है, बहुत सिंपल है, ट्रस्ट मी। इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो ये है ड्राई फ्रूट्स, बादाम है मेरे पास मखाना है, पिस्ता है और काजू है। इन सब में से थोड़ा थोड़ा लेके मैं इनको अच्छी तरह से धुल के सुखा देने वाली हूँ, नॉट मखाने को, लेकिन मखाने को भी अच्छे से साफ कर देने वाली हूँ, ठीक है। एंड जो पिस्ता है आप देख सकते हो, उसके सारे के सारे खोल निकाल के, लाइक कवर जो है ऊपर का वो निकाल के आपको अलग करके रखना है। और इसमें मैं मिलाने वाली हूँ थोड़ा सा केसर, जैसा कि मैंने आपसे कहा। चलिए शुरू करते हैं। अगेन हमने ये तवा ले लिया है, ठीक है, और आप ये देख सकते हो गहरे खड्डे वाला तवा है, इसको हमें हल्का हल्का गरम कर लेना है। अब ये गरम हो गया है, अब हम इसमें हमारा जो ड्राई फ्रूट है वो डाल देंगे। हमने पिस्ता का ये निकाल दिया है, हमने उसमें थोड़ा सा मखाना ऐड किया है और अब हम इसे चलाएंगे। इसे ड्राई रोस्ट करना है, याद रहे पानी वानी आपको नहीं लगाना है, ठीक है। इस तरह से आपको धीरे धीरे हल्के हाथों से इसे ड्राई रोस्ट करते रहना है। दोस्तों यहाँ देख के आपको लग रहा होगा कि ये काफ़ी कम है, एक्चुअली मैं कम ही बना रही हूँ क्योंकि शिवन्या के पास ऑलरेडी बचा हुआ है पाउडर, लेकिन बस मुझे दिखाना था, मुझे बताना था, आप लोगों के साथ शेयर करना था ये रेसिपी, इसलिए मैं इसे दोबारा बना रही हूँ। जब भी आप भूलोगे ना तो इसकी हल्की हल्की फ्लेवर आएगी, अच्छा लगेगा आपको, और ठंडक में थोड़ा सा इसको सेक भी ले सकते हो। सॉरी, अच्छे से अभी रोस्ट हो रही है। एक बार जब कढ़ाई गर्म हो जाए ना, उसके बाद आपको जो पैन गर्म हो जाए, उसके बाद जो आपको पैन को ना धीमी आंच पे ही रखना है, ठीक है, जलाना नहीं, बिकॉज हमें हमारा ड्राई फ्रूट। अब आप देख सकते हो काजू वगैरह पे हल्के हल्के ब्राउन ब्राउन ये आ रहा है, ठीक है। इनफैक्ट जो हमारा मखाना है वो भी हल्का हल्का देखिए आप कड़क होता जा रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे और इन सबको निकाल लेंगे। तो ये हो गया हमारा, भुन गया है। इनफैक्ट पता है आपको, जब वो मखाना पकता है ना तो हल्के हल्के पॉपकॉर्न वाली फ्लेवर आती है, स्मेल आती है। अब हमने इसको निकाल लिया है और हम इसी गरम तवे पे हम क्या करेंगे, हल्का सा ये केसर, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इसको रख देंगे और इसको भी हम पकाएंगे। आप चाहो तो गैस को थोड़ी देर के लिए ऑन कर लो। इसको एकदम धीमी आंच पे पकाना है, हमें सिर्फ इतना देखना है कि इसका रंग हल्का सा, सिर्फ हल्का डार्क हो जाए, बस ज़्यादा नहीं, हमें इसे जलाना नहीं है। केसर जो है वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, बच्चों की स्किन के लिए, बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, बच्चों को अंदर से स्ट्रॉन्ग करता है। और केसर के गुण हम सब जानते हैं और इसलिए हम ये भी जानते हैं केसर इतना महंगा क्यों आता है। तो ये देखा आपने, अब ये देख सकते हो हल्का हल्का डार्क हो गया है,
राइट। अब हम इसको भी उसी में निकाल देंगे, हम गैस बंद कर देंगे और ये जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं भुने हुए, हम उसी में इस केसर को भी डाल देंगे। मैंने यहाँ ज़्यादा केसर नहीं लिया है, आप चाहो तो थोड़ा ज़्यादा ले सकते हो। ओके, और अब टाइम है इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीसने की। इसको आप पल्स पे चलाओगे तो ज़्यादा पानी से पिस जाएगा, झाड़ लेना वरना ढक्कन पे बहुत होता है जो कि वेस्ट हो सकता है अगर आपने डायरेक्ट खोला तो। हमारा जो ड्राई फ्रूट पाउडर है वो अच्छी तरह से बन चुका है। मैं देख लूँ अंदर कोई कण तो नहीं है, थोड़ा थोड़ा है आई थिंक, एक बार और चला के हो जाएगा। एंड इट्स डन, सकते हो हमारा ड्राई फ्रूट पाउडर जो है वो तैयार हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे और एक अच्छे से बर्तन में इसे स्टोर कर लेंगे, ठीक है। और फिर इसको आप बच्चे के जो खीर जैसा आप बनाते हो या उसके लिए हलवा बना रहे हो या दलिया, मीठा दलिया जो होता है, सब कुछ भी आप उसको दे रहे हो तो आप उसमें ये डाल के दे सकते हो। और आपको ड्राई फ्रूट पाउडर तब शुरू करना है जब बच्चा 8 महीने के ऊपर हो जाए, ओके। प्लीज़ ये बात को ध्यान रखिएगा, 8 महीने के ऊपर हो जाए तभी आपको ये ड्राई फ्रूट पाउडर देना है। और तो जो नई मॉम्स होती हैं उनको भी मिल्क सप्लाई बढ़ाने में ये ड्राई फ्रूट पाउडर बहुत काम आता है। तो अगर उनको डायरेक्ट ड्राई फ्रूट खाने का मन नहीं हो रहा है तो आप ये पाउडर जो है उनके दूध में मिला के भी उनको दे सकते हो। सो आप देख सकते हो ये पाउडर ओवरऑल कितना ज़्यादा अच्छा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मॉम्स डायरी। आई होप आप हमारा चैनल ज़रूर देख रहे हो। एंड हाँ, 1 साल के ऊपर के बच्चे को या 1.5 साल के ऊपर के बच्चे को आप इसे डायरेक्टली दूध के ग्लास में घोल के भी दे सकते हो, उनके लिए जैसा मैंने कहा एनर्जी ड्रिंक होता है, ठीक है। सो आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो दोस्तों में मेरे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, एंड लाइक ज़रूर करना हमारे वीडियो को और शेयर करो जितना हो सकता है। दोस्तों आप लोग को लगता होगा कि एक वीडियो बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, बहुत सिंपल काम है। ट्रस्ट भी बहुत मेहनत लगती है, बहुत रिसर्च लगता है, बहुत एक्सपेरिमेंट्स लगते हैं, एंड देन हम इस वीडियो को बना के आपके सामने प्रेजेंट कर पाते हैं। क्योंकि एट मॉम्स डायरी हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके पास कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जाए, क्योंकि आपका बच्चा भी हमारे बच्चे जैसा ही है। और जिस तरह से मैं शिवन्या को कोई गलत चीज़ नहीं लेने दूंगी, उसी तरह मैं नहीं चाहूँगी कि मेरे किसी भी एडवाइस के वजह से आपके बच्चे के साथ कुछ गलत हो। सो थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए और हम दिन के दिन हमारे फैमिली जो है मॉम्स डायरी को इस तरह से बढ़ाने के लिए। I'm seriously very grateful to all of you, those who have subscribed, those who watch my videos and those who like my videos and share my videos, especially जो comment करते हैं और अपने questions पूछते हैं उनसे। Thank you so much. Have a nice day.